Hello, 11th standard. Now this is the last exercise of your chapter, that is trigonometric functions. It is too simple, so kindly concentrate on 3-4 formulas. If you know that 3-4 formulas, then you will be able to solve this exercise easily. See, first question, prove that 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equals to 0. ये आपको प्रूव करना है. तो ये cos x plus cos y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2. तो x हमारा क्या हो जाएगा 3 pi by 13 और y क्या हो जाएगा 5 pi by 13. तो ये हो जाएगा 2 cos 3 pi by 13 plus 5 pi by 13 upon 2 cos 3 pi by 13 minus 5 pi by 13 upon 2. तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 पाई बाय 26 तो 2 से कट होके वो हो जाएगा 4 पाई बाय 13 और इधर हमारा हो जाएगा माइनस 2 पाई बाय 26 जो हम लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 13. मैंने आगे भी बताया था कॉस इज एन इवन फंक्शन तो माइनस निकल जाता है. तो अभी ये दोनों में से 2 कॉस पाई बाय 3 कॉमन निकल गया, इधर बचा कॉस 9 पाई बाय 3 और इधर बचा कॉस 4 पाई बाय 3. अगेन कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. ठीक है ना, तो ये हमने वही फॉर्मूला लगा दिया. 9 pi plus 4 pi क्या होता है हमारा 13 pi, तो 13 कट होके pi by 2 बचेगा. ठीक है, और इधर हो जाता है हमारा 9 minus 4 5 pi by 26 हो जाएगा ये. ठीक है ना, अभी cos pi by 2 क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है और ये सब मल्टीप्लिकेशन में सब फंक्शंस तो 0 से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज ऑलवेज 0. सो दिस इज व्हाट योर RHS इज, हमने प्रूव कर दिया. तो पहला सम इजीली प्रूव हो गया. नाउ सेकंड सम, sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x को भी 0 बताना है. पहले साइन को हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉस को 3x के कॉस एक्स, कॉस 3x इंटू कॉस एक्स ये हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. अभी कल भी मैंने एक फंक्शन आपको बताया था कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अगर ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है तो हो जाता है माइनस साइन कॉस 2 थीटा. तो देखो मैंने इधर लिख दिया माइनस कॉस 2 थीटा. ये किसका फॉर्मूला है, cos c cos d plus sin c sin d. ठीक है, या cos a cos b plus sin a sin b. ठीक है, इधर गलती की है हमने, इधर आ जाएगा sin b. तो ये हो जाता है cos a cos b plus sin a sin b. वो हमारा फॉर्मूला होता है cos a minus b. a क्या है हमारा 3x है, minus b क्या है हमारा x. तो 3x माइनस x हो जाएगा 2x और ये भी प्लस माइनस माइनस cos 2x कट होके आंसर क्या आ जाएगा 0. सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यूज एंड यू कैन इजीली प्रूव यूजिंग दिस आइडेंटिटीज और यू कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, cos x plus cos y होल स्क्वायर. तो ये a plus b होल स्क्वायर लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई भी 1 होगा. ये दोनों में से 2 कॉमन निकल गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हो जाता है कॉस एक्स प्लस वाई. ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला बना, कॉस एक्स प्लस वाई. तो 2 है इधर, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर क्या हो जाएगा, देखो cos 2 थीटा को मैंने क्या बताया था, cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, 2 थीटा को और सिर्फ x है तो क्या हो जाएगा, x बाई 2, आधा हो जाता है थीटा. अगर 2 थीटा है तो इधर हो जाएगा थीटा, तो अगर इधर x है तो इधर क्या हो जाएगा, x बाई 2. तो हमारा क्या है, थीटा x प्लस वाई है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1. ठीक है, ये आइडेंटिटी है cos 2 थीटा की. तो 1 1 कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 जो हमारा प्रूफ था वो हमने कर दिया. नाउ सी नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम देखो क्या दिया हुआ है, सेम ये सेम सम है. ठीक है, इधर पहले a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है और सेम फॉर्मूला से करना है, इसलिए मैंने लिखा है सेम एज दैट ऑफ अबो.
अगर नहीं समझ में आता है देन काइंडली आस्क मी, आई विल गिव यू सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x. कल भी हमने ऐसे सम किए थे, हमें सिलेक्ट करना होता है कि हम कौन से दो वैल्यूज लेंगे साथ में और उसमें फॉर्मूलाज लगाएंगे. तो देखो मुझे इधर क्या चाहिए, x चाहिए, 2x चाहिए और 4x चाहिए, ठीक है. तो कैसे मिलेगा, मैंने x और 5x को साथ में ले लिया और 3x और 7x को साथ में लिया, तो x प्लस 5x 6x अपॉन 2 3x मिल जाएगा, ठीक है. और ये मिल जाएगा 2x, तो 2x मेरे काम का है. वैसे ही ये दोनों में आइडेंटिटी लगाई, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन 5x cos 2x, ठीक है. माइनस आएगा लेकिन इट इज एन इवन फंक्शन. अभी cos 2x को कॉमन निकाला, इधर बचेगा साइन 3x, इधर बचेगा साइन 5x. वापिस से साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8x अपॉन 2 4x और ये हो जाएगा 2x अपॉन 2, मतलब हमारा x हो जाएगा. तो ये हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था. तो यही आपको अलग अलग जो भी एंगल्स होंगे उसको साथ में लेकर आपको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कर सकते हो एक दो बार, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से दो वैल्यूज को साथ में लेना है. हमें सब RHS पे डिपेंड करता है, RHS को देखना पड़ेगा कि RHS में हमें कौन से एंगल्स चाहिए, उस हिसाब से हम एंगल्स को साथ में लेंगे. नाउ नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में साइन 7x प्लस 5x 9x प्लस 3x 7x प्लस 5x 9x प्लस 6x चाहिए, ठीक है. तो 7 प्लस 5 क्या होगा, 12, 12 अपॉन 2 6 मिल जाएगा, और 9 प्लस 3 भी 12 होगा, 12 अपॉन 2 6, ये भी 12 अपॉन 2 और ये भी 12 अपॉन 2. तो हम इसमें लगाएंगे साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2. इधर लगेगा साइन c प्लस साइन d, वही फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, ठीक है. वैसे ही हमारा नीचे जो भी टर्म है cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, और वैसे ही 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2. तो इधर हमारा आ जाता है 6x और ये 2x अपॉन 2 मतलब x, ये भी 6x और ये x, 6x कॉमन निकाल देंगे, 2 sin 6x को कॉमन निकाला, इधर से 2 cos 6x को कॉमन निकाला, तो cos x और 3x बचा, cos x और 3x बचा, cos x 3x, cos x 3x कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारा 10. सो दिस इज वॉट योर आर एच एस इज, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है. तो इधर भी क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हम ये दोनों को लेंगे. क्यों ये दोनों को लेंगे, क्योंकि 2x प्लस x 3x अपॉन 2 इधर ही मिलेगा हमें, और 2x माइनस x x बाई 2 भी इधर ही मिलेगा. तो हम साइन c माइनस साइन d लेंगे, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2. तो ये दो चीज हमें मिली, 3x अपॉन 2 और x अपॉन 2. अभी ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा. तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन, अगर 2 थीटा का थीटा होगा तो 3x का 3x अपॉन 2 और cos 3x अपॉन 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. तो वही किया मैंने, इसकी जगह पे ये लिखा 2 साइन 3x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2 और इसको एज इट इज रहने दिया. अभी cos 3x अपॉन 2 मेरा कॉमन निकल जाएगा 2 के साथ, तो इधर बचेगा साइन 3x अपॉन 2 और साइन x अपॉन 2. नाउ साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, तो ये 4x अपॉन 4 हो जाएगा, 4x अपॉन 4 मतलब साइन x, और ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 मतलब x बाय 2, ठीक है. तो यही हमें प्रूव करना था, दिस इज वॉट यूर आर एच एस इज, 2 टू जा 4 आ जाएगा बाहर, ठीक है, समझ में आया. तो जो प्रूव करना है उसको ध्यान में रखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन से दो एंगल्स को साथ में ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ओके, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8, 9 एंड 10th सम, सो काइंडली कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. सी, 10x का वैल्यू दिया है माइनस 4 बाई 3 और बोला है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में x दिया हुआ है
और फाइंड साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू, ये तीनों तीन की हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, पहले तो ये कौन सा क्वाड्रेंट दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कहां से चालू होगा, जीरो पाई बाई टू पाई, फिर क्या हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा टू पाई। ठीक है, तो x कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ, वो लोग ने इधर गलती है, x इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लेते हैं, पाई बाई टू से पाई के बीच में है, वो पाई बाई टू से पाई के बीच में है x। अभी हमें x बाई टू का वैल्यू निकालना है, तो x बाई टू का क्वाड्रेंट भी निकालना पड़ेगा। x बाई टू का क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को टू से डिवाइड करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर लेस देन एक्स बाई टू। हमें एक्स तो था पता है, दिया हुआ है, लेकिन एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो निकालना था। तो एक्स बाई टू हमारा करने के लिए हम दोनों को टू से डिवाइड करेंगे, तीनों तीन टर्म को। तो ये पाई बाई टू, तो पाई बाई फोर से पाई बाई टू मतलब हमारा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, मतलब अभी हमें आगे कुछ भी देखना नहीं है, नेगेटिव साइन, हमें सिर्फ पॉजिटिव देखना है। ठीक है, तो टेन एक्स दिया था, टेन एक्स से हमें एक आइडेंटिटी पता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डेटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर डेटा। तो सेक्स स्क्वायर डेटा क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर डेटा, मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताया, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस फोर बाई थ्री, अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो 25/9 sec square theta आया। अभी हम sec का क्या करेंगे, cos, cos मतलब reciprocal, तो 9/25 हो जाएगा, और वो भी स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस और माइनस 3/5 आएगा। इज दैट क्लियर। अभी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो मैंने cos को ले लिया -3/5। ये क्यों प्लस नहीं लिया, माइनस लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एड शुगर टू कॉफी, साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हमने कॉस की वैल्यू ले ली -3/5। अभी हमें एक फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, कॉस थीटा, कौन सा फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला। इधर एक्स है, टू थीटा का थीटा होगा तो एक्स का एक्स बाई टू हो जाएगा माइनस वन, ये माइनस वन इधर जाके प्लस वन, कॉस एक्स का वैल्यू हमने निकाल दिया -3/5, तो ये इसको एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 2/5, और ये टू डिवाइड होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू 1/5, और कॉस एक्स बाई टू क्या आ जाएगा 1/√5। ठीक है, इसमें भी हम पॉजिटिव लेंगे, क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि उसका रीजन है कि एक्स बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में या चाहे वो साइन हो या कॉस हो या टेन हो, सब पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस वाला नहीं लिया, सीधा प्लस वाला लिया। ठीक है, अभी हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, थीटा हमारा एक्स बाई टू है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा 1/5, और ये इधर जाके मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस और माइनस 2/√5। वापिस वही एक्स बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं प्लस लूंगा, तो साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू मिला, तो टेन एक्स बाई टू सिंपली वो दोनों को डिवाइड कर दो तो मुझे मिल जाएगा टेन एक्स बाई टू दैट इज टू। तो वैसे ही हम साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, कॉस एक्स दिया है -1/3, तो हमें ये सब निकालना, और एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से चालू होता है, थर्ड क्वाड्रेंट जीरो पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू और टू पाई, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट इधर लाई करता है। ठीक है, तो मैंने वो लिखा, अभी एक्स बाई टू चाहिए तो सबको टू से डिवाइड किया, तो ये आ गया पाई बाई टू से लेकर थ्री पाई बाई फोर, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट आया पाई बाई टू से थ्री पाई बाई फोर, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो मैंने लिखा है कि कॉस और टेन नेगेटिव होगा लेकिन साइन पॉजिटिव होगा। अभी ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है ये कॉस टू थीटा का, 1-2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और पहले जो अप्लाई किया था वो था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, जो आगे वाले सम में, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, डिपेंड करता है कि हमें साइन फाइंड करना है या cos फाइंड करना है।
तो इधर कॉस दिया हुआ और साइन फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 - 2 sin² θ / 2। तो ये प्लस वन इधर जाके माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल्स टू -2 sin² θ / 2। ये हो जाएगा -4/3, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो sin² x/2 मेरा हो जाएगा 2/3। ठीक है, अभी sin² x/2 2/3 हो जाएगा, तो sin x/2 क्या हो जाएगा, पूरे रूट में चला जाएगा, उसको रैशनलाइज किया √3 √3 से, ठीक है, तो √3 × √3 3 हो जाएगा, तो इट विल बी √6/3। ठीक है, और साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा x/2 का, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। अभी cos² + sin² 1 होता है, तो उससे हम cos x/2 निकालेंगे, तो वो भी तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए हमने ले लिया -1/√3। वापिस रैशनलाइज किया तो ये हो जाएगा -√3/3। अभी tan x/2 होता है sin x/2 / cos x/2, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 3 कट हो जाएगा, √3 1 जा √3 2 जा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेरा -2 -√2। सो दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ tan x/2, sin x/2 एंड cos x/2 व्हेन द वैल्यूज ऑफ cos x, sec x इज गिवन टू यू। ओके, सो काइंडली गो थ्रू इट प्रॉपरली। This is what? -√2. Kindly go through it properly. This is how we have completed your first chapter, third chapter of your 11th standard, that is trigonometric functions. Thank you.